आगामी चुनाव के पहले अभी थाना सेक्टर 24 की पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें करीब करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट की बरामदगी हुई है, जिसमें मुख्यतः नोट 500 रुपए के हैं और कुछ नोट 2000 रुपए के भी और 200 रुपए के नोट भी हैं। ये 5 लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं, जिनका नाम फैज, शिबू, आदित्य गुप्ता, आयुष गुप्ता और हरिओम अत्री हैं। ये लोग एक एक इनकी चेन थी एक पूरी बनी हुई और उस चेन में ये लोग कुछ कुछ अमाउंट देकर ये लोग डबल या ट्रिपल अमाउंट में नकली नोट लेते थे। उदाहरण स्वरूप जैसे जो हरिओम है, जब वो पैसे लेता था तो वो 15,000 रुपये वो अगर उदाहरण स्वरूप देता था असली, तो वो डबल पैसा उसको मिलता था नकली। उसके ऊपर वाली जो चेन थी उसमें रेशो था 3.5-4 गुना का, यानी कि अगर कोई 100 रुपये असली दे रहा है तो उसको सप्लाई जो मिलती थी वो 400 रुपये नकली नोटों की मिलती थी, और ऐसे ही सप्लाई चेन चलती रहती थी। अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 लोग वांटेड भी किया है जो नोट छापने का मुख्य काम करते थे, जिसमें एक सिंघानिया है जो छपरा बिहार से है, एक भोला है जो दिल्ली से है और एक मोबिन है जो कि लखनऊ में इस समय है और ये वांछित है। इन लोगों की जांच जारी है, अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इसमें ये भी एक उल्लेखनीय चीज़ है कि ये लोग अपना ज़्यादातर काम वर्चुअल नंबर बनाकर उससे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाते थे, जिससे लोग आपराधिक को अंजाम देते थे। और साथ ही साथ ये लोग इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते थे और उससे इंस्पायर होते थे। और एक अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले एक वेब सीरीज भी आई थी जो फर्जी नोटों पे थी, तो उससे भी ये लोग इंस्पायर हुए थे और उसके बाद इन लोगों ने इसको करने का सोचा। इसमें एक और चीज़ उल्लेखनीय है कि ये लोग दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।